हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करेवली इंस्टीट्यूट। मैं हूं अभिषेक, वेलकम बैक करता हूं आपका करेवली इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज हम लोग अपने हिंदी के उसी टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। तो आज हम लोग उसी जीवन परिचय के विषय में एक और बात करेंगे। तो आज हम लोग जीवन परिचय के विषय में किसका जीवन परिचय सीखने वाले हैं? प्रताप नारायण मिश्र का। तो प्रताप नारायण मिश्र की बात कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो भी हिंदी के हमारे एक महान कवि थे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। फिर से मैं एक दो एक में आपको समझाना चाहूँगा, तो आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। और अगर जो नहीं लिखना चाहता है वो तो चैनल में बना ही हुआ है, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। नारायण मिश्र के एक दोहा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के थे महारथी अनुपम लेखक। इनकी रचनाएं अनुवादित एवं संपादित एवं है मौलिक। इनकी भाषा है चुस्त गठित है, तस्यम शब्द खड़ी भोली, भावों में गड़ाश्मय है विचारात्मक इनकी शैली। तो ये एक छोटा सा दोहा था जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी या अन्य लेखकों पे लागू होता है। तो आप इसमें से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि उनकी रचनाएं कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, उनके क्या क्या उनकी रूप थे और क्या उन्होंने रचनाएं की। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं उनका जन्म किस सन को हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी को। उनका जन्म हुआ था उन्नाव जिले में बैजे गांव में। शिक्षा की बात कर लेते हैं, उन्होंने बहुत सी भाषाओं का उल्लेख कर रखा था, बहुत सी चीजें सीख रखी थी, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, फारसी आदि बहुत सी उनको भाषा का और उनकी शैली का उनको ज्ञान था। उनके पिताजी शंकरा प्रसाद मिश्र और उनके गुरुजी जो थे वो हमारे श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। उनकी मृत्यु हुई थी 1894 ईसा को और उनका मृत्यु स्थान था कानपुर। और उनका मृत्यु स्थान था कानपुर। और एक रचना की बात कर लेते हैं, क्योंकि रचना तो हर एक उसमें पूछना थी। प्रताप पीयूष, एक उनकी रचना आप लिख सकते हो प्रताप पीयूष। और एक मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहली वाली वीडियो में एक दोहा बताया था जो हकी हर लेखक के ऊपर लागू हो जाता है। आप वो दोहा लिख देंगे तो अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हेडिंग्स आप क्या लिख रहे हो उसकी हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप हेडिंग सही डालिए, फिर प्यारा प्यारा लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो उनकी उस रचना की बात कर लेते हैं। तो रचना वो क्या थी? प्रताप पीयूष लिखने के बाद आप एक छोटा सा दोहा लिख देंगे। क्या दोहा लिखेंगे आप? दोहा क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज रोज खिला करते, नित नित अगणित प्रसून मिट्टी में रोज मिला करते, जिसने निज आभा के द्वारा ये किरण जाल फैलाया है। ये इन्हीं का जीवन परिचय, जिसने साहित्य गगन चमकाया है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही सा था हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। तो आप एग्जामिनेशन में ऐसे लिखेंगे, मेरे बताए हुए तरीके से लिखेंगे, तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए, और जो भी नया आया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ाई भी जरूरी है।